हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आ रखे ना। तो भाई लोग आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। और काफ़ी दिनों बाद भाई वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि भाई किसी प्रॉब्लम में फंस गया था। भाई भाई वाईफाई नहीं था, उस वजह से नहीं डाल पा रहा था वीडियो। आपको पता ही, गाँव में इंटरनेट अच्छा नहीं चलता है। तो वाईफाई लग गया, अब डेली वीडियो आएंगी भाई, एक दो तीन तीन तक तो मैं रोज़ाना कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ। बाकी अब स्पीड पर डिपेंड है भाई, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा वीडियो। ओके, तो अभी रेगुलर आएगी वीडियो। तो उससे पहले बता दूं भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, अभी भी लग रही है तो बोला नहीं जा रहा है। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी चैनलों के। तो चेकआउट कर लेना यार सभी, काफ़ी बढ़िया। वहाँ पर भी वीडियो बनाता हूँ भाई, फार्मिंग सिमुलेटर की ब्लॉग चैनल भी है वहाँ पर भी। और किसी को भाई पेड मोड बाय करना है या पर्सनल अपना कोई मोड बनवाना है मुझसे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई। वहाँ पे उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके SMS कर सकते हैं। जो भी मॉडल भाई आपको बनवाना है मेरे से पेड वाला, उसकी फ़ोटो भेज देना, तीन चार बढ़िया क्वालिटी की। तो बाकी डिसाइड कर लेंगे, प्राइस वगैरह कम ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी को अपना पर्सनल बनाना तो ठीक है। तो आज एक भाई सुबह 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 नहीं बोल रहा भाई, दोपहर को एक तगड़ा तगड़ा नुकसान हो गया अपने से। ये देखो मशीन है जो अभी दिखाऊँ, तो भाई यहाँ से स्टार्ट ही किया था मैंने। पहले मेरा दिमाग चला था भाई, मैं यहाँ से घुसा रहा था मशीन वाला, चलो यार यहाँ से नहीं, एक साइड से लगते। तो मशीन मोड़ के भाई यहाँ से काटना स्टार्ट किया, और यहाँ पे मोड़ भी अच्छे से काटा। और यहाँ जब मैं मोड़ भाई इधर इधर को जाने वाला था, तो भाई इसका टक्कर है जो खम्भे के साथ हो गई पीछे। ये भाई शुक्र है जान बच गई, ऊपर भाई करंट जा रहा है भाई 1000 1000 वोल्ट का। और इससे भाई इसका देख ही सकते क्या हाल, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, चक्का ही बाहर आ गया इसका पूरा। तो खम्भे से बैक भाई टकराने से ना बहुत ज़ोर से भाई पड़ी है कम्बाइन पीछे, पर वेट भी बहुत ज़्यादा था, उस वजह से भाई अगर झटका थोड़ा सा भी लगे तो भी टायर निकल जाता है। ये देखो निकल ही गया यार वैसे टायर, तो एक्सल वगैरह लग ही हो चुका है भाई इसका, स्पेंडल वगैरह देखो, टाई रॉड भी भाई टूट गई है ये देखो। तो ये इसके सहारे टिका है भाई टायर, तो मैंने मशीन यहाँ पे रख दी भाई। अब आगे आगे पीछे करूँगा तो और नुकसान हो जाएगा। बाकी कोई हिस्सा नहीं टकराया भाई, बस टायर टकराया है, उस वजह से देख सकते हैं अब नुकसान तगड़ा हो गया भाई। अभी जो मिस्त्री को बुलवा के इसका यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कोई साधन भी नहीं है कि मशीन लेके जाएँ किसी के साथ वहाँ शॉप में। और भाई इतनी बड़ी मशीन को अभी कैसे मैनेज करेंगे आपको पता ही है यार। तो मैकेनिक को ही बुला लेंगे, जो भी होगा भाई स्पेंडल वगैरह नया डलेगा, टायर वगैरह नया डलेगा, तो यहाँ पे डलवा लेंगे। वैसे छोटी मोटे नुकसान होते ही हैं यार। चक्कर भाई यही था कि क्लच प्रेस नहीं हुआ मेरे से जल्दी जल्दबाजी में, तो जैसे बैक कर रहा था भाई क्लच दबा के ब्रेक लगानी थी, मैंने भाई क्लच मेरे से दबा ही नहीं गया मतलब, तो उस वजह से झटके से भाई टूट गया। समझ सकते हैं छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, वैसे रोड से थोड़ा सा किनारे ही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई, एक कंपाइन अपनी वहाँ पे भी पड़ी है यार, स्वराज कंपाइन, हमने आपको पता है भाई की थी, उसका काम हो चुका है। और भाई काफ़ी मतलब कि मेरे ख्याल से भाई कितने की मांग रहा था मुझे याद नहीं है उसकी, तो ऊपर से भाई 2 लाख 2.5 लाख लग गया भाई ऊपर, और पेंट वगैरह करवा के वेल्डिंग वगैरह करवा के। तो मशीन रेडी है, बंदा बोल ही रहा था भाई 2 4 दिन पहले ही कि ले जाओ, तो मुझे भाई टाइम नहीं था, आज टाइम लग गया। तो भाई जाके देखते हैं यार, तो नुकसान तगड़ा है दोस्तों, अब अपनी मशीन चलानी पड़ेगी। यहाँ पे वर्कशॉप है यहाँ बंदे की बो रही, तो अपनी तैयार है मशीन, कोई चक्कर नहीं भाई, उसको भी रिपेयर करवा लेंगे, अपने जेब से खर्चा निकालना पड़ेगा। यही है ना भाई मशीन। ओ वाह भाई, बंदे ने एकदम सिरा करवा दिया भाई, जो भी बना के चीज़ बन जाती है वो साइड में लगा देता है। जैसे ये बने बना के भाई ने रंग वगैरह रखे हैं करके, मशीन भी अपनी साइड में लगा दी पार्किंग में भाई। इसका कटर भी भाई बढ़िया भाई, पता नहीं लग रहा था कि कबाड़ से उठाई थी मशीन, देखो यार बढ़िया, अभी भी काम चल रहा है अंदर, बढ़िया कर गया भाई बंदा काम। तो पैसे वगैरह बाद में, पहले चेकिंग करनी पड़ेगी, इतने मांग रहा है इतने देंगे नहीं। हॉर्न वगैरह भाई स्पीकर बंदे ने लगाए कि नहीं, मैं देखूं तो भाई स्पीकर लगा दिए एकदम। आपको पता भाई जब तक डेक नहीं लगेंगे तो कंपाइन भी नहीं चलेगी अपनी। बढ़िया भाई, भाई बिल्कुल नई फील दे रही है बिल्कुल कंपाइन। ट्यून ट्यून भाई इसमें भी लगी हुई है पहले से ही।
लग गया कटर, बट टेलीफोन आ गया बंदे का। बाकी टेलीफोन पे बात हो गई थी, बंदा बोला था पहले चेक करो फिर पैसे दो, तो हम चेक ही करेंगे दोस्तों आज। बाकी ये यार भाई अपने गांव में लेके जाएंगे, ये आपको पता ही है अपना गांव कहाँ है, 855 भी वहाँ पे ही है अपना, हिंद भी वहाँ पे चल रही है भाई अपनी हिंद। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा रह गया काम अपना, भाई बहुत ज़्यादा काम है देखो यार, इतने दिन तो भाई काटी नहीं फसल, कंबाइन बंद रही आपको पता ही है 4 दिन, तो अभी तो भाई आधा ख़त्म कर देना था भाई, 10 किले दिन में 10-12 किले काट देती है मशीन। तो उसका काम करवाना पड़ेगा भाई, 2 मशीनें हो गई अपनी, मैं सोच रहा हूँ यार दोनों, एक ड्राइवर मैं भी, पर भाई मैं क्या करूँ कर्जे में आगे डूबा हूँ मैं भाई। ये अपनी मशीन है ठीक है, ये हमने खरीदी भाई तकरीबन 5 लाख में ही हो गई, सब कुछ रेडी भाई बाय बुई करके अपना सीजन भाई अब लगाएंगे, मालिक को छोड़ो अपना ही काम करेंगे, वो रही करदार कंबाइन। भाई करतार या स्वराज की कंबाइन है यार, कसम से भाई इसकी मजबूती है ना, पता नहीं भाई बंदे क्या करते हैं इसकी, इतना लोहा इतना तगड़ा लगा के रखा है ना इसका कि भाई जल्दी जाती नहीं है स्वराज की कंबाइन, ट्रैक्टर भी नहीं जाते भाई इसके, हैवी कंबाइन है भाई इसलिए ये, पर इसका ये लफड़ा है क्लच ब्रेड जल्दी जाती है इसकी। मशीन का करवाते हैं भाई बंदे को बुला के, पहले फसल काट लें। बाकी देखते हैं चेक करके भाई दाने वगैरह तो नहीं छोड़ रही है मशीन अपनी, आगे लीवर चल भाई। ठीक है भाई सब कुछ प्रॉपर है मशीन का, भाई सब प्रॉपर काम कर रहा है मशीन का, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। ढक भी सही चल रहा है दोस्तों, भाई 2 कंबाइनों से काम जल्दी होगा, पर भाई ड्राइवर नहीं मिल रहा है ना मुझे, पर मेरा क्या फायदा होगा भाई अपनी, मैं मशीन चला रहा हूँ दूसरे बंदे के, मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो भाई कोई फायदा ही नहीं है ना, अपनी मशीन अपने तेल पे चला रहा हूँ भाई, देखो मालिक ने थोड़ी ना बोला कि अपनी मशीन चला, ये तो मैंने यहाँ पे बाय की है, अपना भाई काम स्टार्ट करेंगे अब, खुद का धंधा, थोड़ा सा अंदर को रखो यार। बाकी भाई गाने शाने बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं बताओ यार, नई मशीन अपनी नई समझो यार, साइडें लगा ले पहले भाई, यही दिक्कत आती है इसकी। चल भाई भाग 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 भाग, छत्ते देख ही नहीं रहा हूं मैं, भाई गाने इसलिए मैंने ऑन धीरे कर दिए, कॉलेज है सामने यार, तो सामने देख सकते हैं भाई कॉलेज है, तो फिर बच्चे वगैरह पढ़ते हैं आपको पता है, डिस्टर्बेशन ना हो इसलिए थोड़ी सी साउंड मैंने अपने लिए रखी है भाई, क्योंकि मुझे यार डीजे तो लगाना नहीं यहाँ पे। भाई करतार कंपाइन का ऐसा करता हूँ फ़ोन कर देता हूँ यार बंदे को मैं पहले, कितने बजे टाइम भाई, वैसे शॉप पे गया था मुझे यार, मैं याद ही भूल गई,
चलो बाद में करते हैं यार मशीन। वो खड़ी है करता यहाँ से भाई, लो लगा लूँ। यार क्या हो रहा है, अभी इसको ध्यान से निकालना है। टंकी भरने वाली है, इसकी भी कैपेसिटी सेम है यार कंबाइन होगी, स्वराज की थोड़ी ज़्यादा लग रही है। उल्टे गेड़े लगाना यार, एक मिनट इसको कवर ही कर लें यार, थोड़ा बहुत रहता है। बंद हो गई मेरे से भाई, बटन यार प्रेस हो रहे हैं। हो गई टंकी फुल। ट्रैक्टर को लेके आए अपना, ये भी अपना ट्रैक्टर है भाई। कबाड़ से खरीदा था भाई, लगता नहीं यार हर चीज़ कबाड़ से ली है, एकदम नई नई नरबीली। यार ये पता नहीं भाई पंगा क्या है यार। ठीक है यहाँ पे नहीं यार, रुको अभी जो है प्रॉपर मशीन लगी नहीं है। अब गिरना स्टार्ट हुआ माल, न्यूट्रल करके रेस बढ़ा रहा हूँ उसकी मैं। हो गई टंकी खाली, चलो तो स्टार्ट मशीन। करतार से अच्छी तो भाई ये स्वराज कंबाइन बढ़िया है यार।
भाई स्टेयरिंग पे भी कैमरा लगाऊंगा यार, 2 दिन वेट कर जाओ, स्टैंड वगैरह नहीं मिल रहा है। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं यार इसकी, नहीं तो ऐसे भाई ऐसे खेत में रहेंगे भाई। एक किला है पूरा, एक किले में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्पीड कुछ ज़्यादा बढ़ गई भाई, कंट्रोल में नहीं हो रही मशीन। किले से ज़्यादा जगह लग रही है भाई, ट्रैक्टर तक तो किला है पर उससे आगे भाई एक ना जगह हो रहा है। नॉन स्टॉप चलेगी मशीन और भाई तोरा भी अच्छा है यार मशीन में। एक टंकी और भरते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं यार, उसका भी रिपेयर करवाना पड़ेगा हमें मशीन को। इसको काट के ना भाई उसकी रिपेयर करवाने चलेंगे मशीन को, बंदे को या तो फ़ोन करेंगे नहीं तो फिर होगा तो भाई किसी का लोडर लेके। टंकी फुल हो गई, चलो इसकी एक ट्रॉली निकली जाएगी भाई। पर अपना ट्रैक्टर माड़ा है यार, ये माड़ा ट्रैक्टर है। चल चल चल, कॉलेज वगैरह है ना भाई इसलिए थोड़ा सा मैं इस पे भी हेड है कभी दिखाऊं। देख लो भाई सब सेम गाने चलते हैं, पेन ड्राइव सेम है ना, हुक ज़्यादा ऊपर है भाई, ये नीचे नहीं होगी क्या, क्योंकि ये देखो अड़ता है यार ये। चल कोई नहीं, मशीन को पीछे कर लेते हैं हम। इसका ये इलाज हो, अब खुल जा। नहीं भाई पीछे आ गई, पीछे आ गई। ओए ओए अब सही है, बिकन तो बंद हो गई यार ये, पता नहीं कैसे बंद हो रहा है। बाकी भाई खाना खाने का टाइम हो गया तो इसको अब भाई यहाँ पे खड़ा करके प्रसादा चख लेते हैं। ठीक है मशीन कर दी बंद यहाँ पे, ट्रैक्टर को यहाँ रखेंगे क्योंकि अभी भी और भी काटना है यार। चलो अभी ये जो भाई अपना लंगर खाने का टाइम हो गया तो लंगर खा के फिर काटते हैं और मशीन का कुछ करवाते हैं भाई फोन वोन करके। बाकी यार दाने वगैरह तो नहीं छोड़ रही है मशीन, मैंने देखा भी नहीं ना। नहीं भाई एकदम पराली निकल रही है बढ़िया स्ट्रा। और इसका करवाते हैं कुछ यार, दो दो मशीनें दे दी भाई, एक संभली नहीं जा रही है। तो बंदे के घर में है खाना पीना, तो चलते हैं वहाँ पर खा के फिर कल मिलते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना यार, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताओ, और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।